जो हमारे यहाँ मनुवादी संस्कृति है, ब्राह्मणवादी संस्कृति है, उसने आप पर इतना गहरा असर कर रखा है कि आप उससे बाहर निकल नहीं पाते। बाबा साहब ने हथियार आपके हाथ में दे दिया, चलाना आपको है लेकिन आपको चलाना ही नहीं आता। इसमें आप ये कहेंगे कि जब बताया नहीं है, बताने के लिए तो फरिश्ता नहीं आएगा आपके पास, आपको खुद सोचना पड़ेगा। दिक्कत यह है, आप देखिए जितना हमारे आम अनुवादी व्यवस्था है वो कैंडिडेट खड़ा करती है, आपको 10 रुपए का शराब का पाउच देगा, आप कुत्ते की तरह दुम हिलाएंगे उसके पीछे, आपको 100 रुपए देगा, आप उसके पीछे पीछे जाएंगे वोट देने के लिए। आप क्यों नहीं अपने आदमी को वोट देते? वजह है क्योंकि आपने न पढ़ाई की, न लिखाई की, न सोचा। जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई की मैं उनको बहुत मानता हूं, क्योंकि जो आदमी अपने समाज को जागृत नहीं कर सकता उसका समाज में रहने का कोई हक नहीं है। अरे बाबा के साहब के नाम पर आप लोगों ने दुनिया भर की चली है। महिलाएं हैं, आप महिलाओं को ही देखिए, बोले यहां इतनी महिलाएं बैठी हैं, हाथ में 10-10 चुंडियां पहन लेंगी, गले में मंगलसूत्र पहन लेंगी और लंबी 1 किलोमीटर लंबी मांग लगा लेंगी, लेकिन कभी भी अपने घर के बच्चों को तरीके से उनकी परवरिश नहीं कर सकती। उनको मंदिर जाना सिखाएंगी, उनको मस्जिद जाना सिखाएंगे, उनको पीर बाबा के लेटर सिखाएंगे। अभी आप सोचिए, पिछले साल की बात है, कावड़ लाने के लिए वहां कौन लोग गए थे? वहां कोई ब्राह्मण या दूसरे समुदाय के लोग नहीं गए थे, आप लोग गए थे, आप लोग जाते हैं वहां। आप मंदिर में जाएंगे, कावड़ लेने जाएंगे, 200 रुपए मिलेगा आपको, शराब मिलेगा और नशा मिलेगा। क्यों पढ़ेंगे आपके बच्चे? क्यों वोट देंगे अपने लोगों को? वोट देंगे जो उनके माई बाप है, जिनको सुबह शाम को जी दूरी करते हैं, जिनको नमस्ते सलाम बोलते हैं। बहुत जरूरी है आप इस माहौल को अपने घर से और अपने आप से शुरू करें। समस्या यही है। मैं एक जगह मैंने देखा था, वहां लिखा हुआ था, एक बड़ा सा बैनर लगा रखा था, मैंने उसे संदेश दे दिया था कि वाल्मीकि की खोज करेगी मोज, क्या खोज करेगी कि कवर लेने जाना है उनको, अभी वह उनके मटकी में 100-100 ग्राम अब चरा सफी में रख देंगे और ला के अपने बच्चों के लाएंगे। आज आप देखिए वो बच्चे वहां नशा करते हैं, वो इंजेक्शन लगाते हैं अपनी नसों में, वो जहर काम में लेगा, उनसे छोटे बच्चे देखें क्या सीखेंगे। आप वोट की बात करते हो, लोग कहते हैं, मैं सॉरी माफी मांगता हूं, भगवान वाल्मीकि, वाल्मीकि ने क्या दिया आपको? सोचिए अगर बाबा साहब ना होते तो आप यहां ना होते। उन्होंने आपको कौन सा नायक दिया है? एक राम नाम का नायक दिया है जो खुद एक क्षत्रिय समाज से आता है। वाल्मीकि ने पढ़ाई की, अगर की तो पूरा वाल्मीकि समुदाय पढ़ क्यों हमारा? आप मूर्ति रख के पूजा करिए, आप अगरबत्ती जलाइए, आप धूपबत्ती जलाइए, लेकिन आपकी नस्लें तो बर्बाद हो रही है ना। कौन कौन बचाने उन चीजों को? अब बातें बड़े आप भी आप देखिए, आपके उंगली में अंगूठी, गले में माला, पैरों में धागा, गले में धागा, क्या कह रही मंत्र पर? अब कहते हैं अंबेडकरवादी अपने आप को, बड़ा अंबेडकर कितने लोग बैठे। बातें करना बड़ी आसान है, उस पर चलना है ना बड़ा मुश्किल है। पैसा कोई भी दे देगा, ठीक है पैसा दे दिया 200-400-700 रुपया, अरे जमीन पे आके काम करिए, कितना सुनना पड़ता है। जो लोग काम करते हैं देशराज जी बैठे हो, बाकी लोग बैठे, मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटी में, लोग कितना सुनते हैं, लोग उसे किसके लिए सुनते हैं? लोग कहते हैं आप तो प्रोफेसर है, आप क्या जरूरत है भाई? अरे जिसने बाबा साहब को पढ़ लिया वो चैन से बैठ नहीं सकता, और जो चैन से बैठे ना, जो चैन से बैठा है वो बाबा साहब को पढ़ने वाला नहीं हो सकता, वो सिर्फ पढ़ने का दिखावा करता है। तो इन बातों पे गौर करिए, कम से कम चाहे इलेक्शन हो चाहे जो हो, अपने घर में महिलाओं को हम लोग बराबर का अधिकार नहीं देते, बाहर की छोड़ दीजिए। रात को तो पौवे लगा के दौड़ पी के हम लोग आ जाएंगे कि भैया कोई बात नहीं, घर में बच्चे कहेंगे चुपचाप सो जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, किस दिशा में जा रहे हैं? सोचिए आप सोचिए, हम ब्राह्मणवादियों को गालियां देते हैं, पहली गाली अपने भी पढ़नी चाहिए। कबीर ने कहा ना, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिल गया कोई, मन को जा अपना सा मुझसे बुरा है कोई। अब बिल्कुल साहब बैठे हैं, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, अरे क्यों लड़ेगा आपकी लड़ाई, अपनी लड़ाई को क्यों लड़ते? वो कोई आएगा अपनी लड़ाई लड़ने के लिए? अरे भैया अपने आप को सामर्थ्यवान बनो, अपना दिया खुद बनो, दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे ना
जिंदगी भर गुलामी की है, आगे भी गुलामी करोगे। कई बार कई लोग कहते हैं यार ऐसी बातें मत कहा करो, भावनाओं को ठेस पहुंचती है। मैं हमेशा कहता हूं अगर भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची तो असर भी नहीं होगा। भावनाओं को ठेस पहुंचाना सबसे पहले जरूरी है। लोग कहते हैं कि जी नहीं बच्चों को वो आजकल एक स्कूल चल रहा है कि जी एमसीडी में नाम लिखवा देंगे। अरे भैया एमसीडी में नाम लिखवा दोगे, जिंदगी तुम्हारी किस्मत में लिखी है कि एमसीडी में नाम लिखवाना। चलो बड़ी बड़ी नौकरियां पड़ी है वहां भेजो अपने बच्चों को, लेकिन वहां नहीं भेज रहा, इसलिए काम चला है गरीब आदमी कम में खा लेंगे। अरे सपने भी बड़े देखना सीखो, अगर बड़े सपने नहीं देखोगे तो जिंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ सकते। इसलिए एक बात जान लेना, आगे बढ़ने के लिए पहली चीज बाकी सारी किताबें पढ़ना, ये धर्म ग्रंथ जो पुराण और ये सब पढ़ना बंद कर दो, सबसे पहले बाबा साहब को पढ़ो। अगर आगे बढ़ना है तो आपकी रामायण, आपकी गीता, आपकी महाभारत, आपके सारे ग्रंथ उसी 23 वॉल्यूम में है, उसके अलावा कहीं नहीं। संविधान पढ़ो, संविधान पहले बाबा साहब को पढ़ोगे उसके बाद संविधान को समझने की दृष्टि आएगी आपके पास। अब संविधान देखिए बहुत सारे लोग हैं तो संविधान की बात करते हैं, देखिए संविधान तो क्या इतने लोग बैठे, सॉरी माफी मांगता हूँ सबसे, कितने लोगों ने संविधान को पूरा पढ़ा बता दीजिए दूसरा एक, बाकी सब वो कहते हैं गुंगे की हड्डी बैठे सारे। नहीं पढ़ा लोगों ने, जब आप बाबा साहब को नहीं पढ़ोगे आपको दृष्टि नहीं मिलेगी, आप संविधान को नहीं समझ सकते। पहले बाबा साहब को समझना, फूले साहब को समझना, पेरियार साहब को समझना बहुत जरूरी है। और इन धर्म ग्रंथों ने आपको बर्बाद किया है, जान लीजिए। आज भी आपको मैं भी सुबह एक मित्र से बात कर रहा था, गुजरात के 2002 के दंगे याद करिए आप, एक नाम बड़ा प्रसिद्ध रहा उसमें अशोक मोची, आपने देखा जिनके दो आत्मे थे डंडे थे राउंड थी गले सर पे पट्टी थी श्रीराम की, उस आदमी ने 6 लोगों को मारा, एक प्रेग्नेंट महिला का पेट तलवार से चीर दिया उस आदमी ने, और उसके बाद उसको 10-11 साल की सजा हुई। जब जेल से छुटके आया वो पहले भी मोची था, जूते बनाता था, आज भी मोची है, लेकिन उसके सारे कितने लोग आगे बढ़ गए। आप देखिए आपको इस्तेमाल किया, आपको रटे बनाया। उस आदमी ने बाहर निकलते ये कहा मैं अपने मुसलमान भाइयों से माफी मांगता हूँ। आप याद करिए लोकपुरी के दंगे किसको इस्तेमाल किया, और गधे तो हम लोग हैं इस्तेमाल होते हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं लोग, कि आदत पड़ी है खून में कीटाणु है हमारे भाई, इतनी जल्दी नहीं जाएंगे वो। क्योंकि आज भी आप देखिए आप अपने किसी आदमी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो दादा राम राम दादा है भाई, गुलामी करेंगे क्योंकि आदत है। तो उस गुलामी से बाहर निकलने का हथियार बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दिया था, आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। इसलिए साथियों एक बात कहूंगा, अगर आपने जो किया सो किया, गांड मार लीजिए, आपने जो किया सो तो किया, अपने आने वाले नस्लों को कम से कम आप सही दिशा दोगे। और गलती अगर किसी से हो जाए तो गलती मानना जरूर सीखिए। समस्या क्या होती है, हर आदमी हमारे यहाँ समझदार है, पता चाहे कुछ भी ना हो लेकिन समझदार है। जो कोई करेगा कुछ उसके रास्ते में 4 बातें कहेंगे, क्या चल रहा है समाज को सुधारने, अरे भैया तू नहीं कर सकता, वो आदमी कर रहा है, सल्यूट कर उसके साथ, दे उसका साथ दे, चुपके कम से कम मुंह बंद रख। समस्या हमारी आंतरिक समस्या है, हम उससे 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 उभरना नहीं चाहते। आदमी मैं अभी एक मित्र को बता रहा था कि किसी गांव में क्या हुआ, किसी आदमी ने कर्ज लिया किसी से, बड़ी मजेदार बात करो, शर्म आएगी आपको सबको अपने ऊपर, कर्ज लिया 1,00,000 रुपया नहीं चुका पाया, तो जिन्होंने कर्ज दिया था ना 1,00,000 रुपया वो उसके घर आता है तो उसके 4-5 भाई बहन बन के आते हैं, उस आदमी के गले में भैंस की बेल डालते हैं और चौराहे पर उसके ऊपर बैठते उसको मारते हैं, सब लोग तमाशा देख रहे हैं। उस आदमी ने 1,00,000 रुपया अगर अपने बच्चों को लेके अपने बच्चों को पढ़ा तो बाथरूम जाते हैं, उस आदमी ने 1,00,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ शराब में उड़ा दिया। तो ऐसे समाज के लोगों के समाज आगे कैसे बढ़ेगा, अब तो अपने बच्चों को भी गुलामी सिखा रहे हैं। तो सोचिए देखिए बाबा साहब ने जो हथियार अधिकार आपको दिया है वोट का, उसका सही इस्तेमाल करिए, कभी भी वोट ऐसे आदमी को मत दीजिए। आप किसको वोट देते हैं,
मनवादियों को देते हैं। अरे वोट लेके कल वो आप पर ही जुल्म करेगा, आपको ही मारेगा। आपका आदमी हारता है, हार जाए तो बात नहीं, लेकिन वोट आप अपने आदमी को ही दे। काशीराम जी ने गलत नहीं कहा था, एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, आप दोनों में से जिसको वोट देंगे वो आपको कसेगा ही डसेगा, और आप अपने डसने वाले को वोट देंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए दोस्तों। और समाज में एक संगीत गाते हैं पवन सिन्हा, अक्सर आप टीवी में देखते हुए एस्ट्रोंगल करके आता है मोटा सा भारी सा, लोगों को बताता है कि जी आप ये पहन लो तो ये भला हो जाएगा, ये पहन लो तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो वहां पहुंच जाओगे। संदीप जानता है उस आदमी की अपनी नौकरी लगी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी का प्रमोशन रुका था तो उसी आदमी का रुका था, किसी का नहीं, और वो पैर पकड़ता था। आप उसके पैर पकड़ते हो और वो उन सामर्थ्यवान लोगों के पैर पकड़ता है तो उसकी मदद कर सकते हैं। आप सोचिए, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजते हैं, आप अपने बच्चों को मंदिर में पीर बाबाओं के यहाँ सीढ़ी के वहां साई के यहाँ भेजते हो, तो भैया बच्चे उनके आगे बढ़ेंगे आपके बढ़ेंगे? सोचिए और खुद फैसला करिए, मैं कहने वाला कौन होता हूं, अपना फैसला खुद करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।